इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन सो वेनएवर आप पोर्टफोलियो इज डेवलप्ड द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट इज टू प्रोवाइड द मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एट अटन रिस्क टॉलरेंस लेवल सो इन्वेस्टर्स एक डिफाइन कर देते हैं कि हमें एक बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है या कम रिस्क लेना है उस उस लेवल के ऊपर रहते हुए रिस्क के मैक्सिमम लेवल जिसके जिसको वो लेना चाह रहे होते हैं वो उस पे रहते हुए व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स जिससे उनको मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं सो so, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं द फर्स्ट वन इज़ के पहले जो पोर्टफोलियो जो प्रोफेशनल एसेट मैनेजर्स हैं दे फर्स्टली गो फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशनस ऑफ द रिस्की एसेट्स वो अकाउंट फॉर करते हैं कि कौन से मुख्तलिफ तरह के रिस्की एसेट्स को हम कम्बाइन कर सकते हैं एंड सेकेंडली वो इन रिस्की एसेट्स को रिस्क लेस एसेट्स के साथ में कम्बाइन करते हैं सो so, पहले रिस्की रस्की एसेट्स को की कॉम्बिनेशन को डिसाइड करते हैं दैन दे एड रिस्क लेस टू डेवलप आ पोर्टफोलियो सो आ पोर्टफोलियो इज कम्पोज ऑफ बहुत टाइप्स ऑफ एसेट्स बोथ द रिस्की एसेट्स एज वेल एज द रिस्क लेस एसेट्स एंड देन टूगैदर दे आर दे गो फॉर कम्बाइनिंग इन डिफरेंट वेट्स के जो डिफरेंट एसेट्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर इस पोर्टफोलियो को बना लें फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसका प्रपोर्शन या उसका वेट क्या होगा कि आपने आपके पास अगर सौ रुपए हैं इन्वेस्ट करने के तो आप उसमें से तीस रुपए रिस्की एसेट्स में डालने जा रहे हैं सत्तर रुपये रिस्क लेस एसेट में डालने जा रहे हैं वॉट कुड बी द कॉम्बिनेशन सो द वेट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस ऑफ द इन्वेस्टर सो कोई भी जो uh, एक सिंगल रिस्की एसेट पोर्टफोलियो है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रिस्की एसेट अलावा हो उसके अंदर सेवरल रिस्की एसेट्स को एडअप करके एक रिस्की एसेट पोर्टफोलियो बनाया जाता है

कूमत की तरफ से स्टेट बैंक की तरफ़ से इशू होता है या किसी भी बोल के सेंट्रल बैंक से इशू होता है उस परफेक्ट प्रोटेक्शन है कि ये अगर आपने थ्री मंथ्स की ट्राइबिल में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपको सपोज़ जो उन्होंने ऑफ़र किया था आपको रेट वो सिक्स परसेंट है तो आपको यकीन होगा कि तीन माह के बाद मचॉरिटी के ऊपर हम इस टी बिल को जब वापस करेंगे तो हमें इसके ऊपर सिक्स परसेंट इंटरेस्ट मिलने वाला है तो ऐसे एसेट्स जिनके ऊपर प्रडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न हो जिसमें कोई शक हो नहीं हो कमी नहीं हो ज़्यादी की चांस नहीं है या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि वो तमाम रिटर्न्स कोई भी एसेट्स के ऊपर जिनमें रिस्क इन्वाल्व नहीं है या हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो आपका रिस्क है उसको हम बोलते हैं वहाँ ज़ीरो है तो ऐसे एसेट्स को हम रिस्क एसेट्स बोलते हैं वेयर फॉर विच द प्रोडिक्टेबल रेट इज परफेक्टली नोन एंड यू नो दैट दिस इज दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इक्वल टू जीरो द इज जीरो तो दैट टाइप ऑफ एसेट इज नोन एज रिस्क लेस एसेट वेन द स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स आर नॉट आइडेंटिफाइड देर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क लेस एसेट्स जो कि डेवेलप किए जाते हैं या पोर्टफोलियो में अकाउंट फॉर किए जाते हैं जनरली एंड वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट द ट्रेडिंग हराइजन ट्रेडिंग हराइजन हमने पहले डिस्कस किया था क्या होता है दैट इज द दैट इज़ द स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड जिसके अंदर अंदर आपने डिसशन को रिटेन करना है और कितने अरसे के बाद आपने डिसीशन को रिकन्सिडर करेंगे दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसमें डिसीशन को रिटेन करना है दैट इज़ नोन एज द ट्रेडिंग हराइजन सो वी ऑलरेडी इट

एक दिन के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और अगले दिन मुझे इसको वापस कर देना है तो आपकी जो रिस्कलेस रेट इस मिसाल के तौर पे विल बी द इंटरेस्ट रेट जो कि टी बिल के ऊपर नेक्स्ट डे मैच्योर होने वाला है उस पर जो मिलेगा इसको हम बोलेंगे कि हमारा ट्रेडिंग वन डे था और हमारा जो यूनिट ऑफ अकाउंट है यूनिट ऑफ अकाउंट इज़ बेसिकली द करेंसी जिसमें आप अपना बिजनेस करने वाले इट कैन बी डॉलर इट कैन बी एन इट कैन बी पाक रूपी इट कैन बी पाउंड स्टर्लिंग सो दैट इज़ द यूनिट ऑफ अकाउंट सो जब हम रिस्क लेस एसेट को अकाउंट फॉर करते हैं तो उसमें हमें यूनिट ऑफ अकाउंट डिसाइड करना होता है हमें ट्रेडिंग हराइजन डिसाइड करना होता है और यूनिट ऑफ अकाउंट को डिसाइड करना जरूरी है बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेडिंग हराइजन इज इनदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशन बिकॉज एज वी ऑल नो कि जो करेंसी का वैल्यू है वो वक्त के साथ साथ ऊपर नीचे होता है तो इसलिए ट्रेडिंग हराइजन भी बहुत मैटर करता है और आप किस करेंसी में डील करें वॉट इज़ द यूनिट ऑफ अकाउंट दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल